बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ट्रैवर्स के बारे में कि अगर हमारे पास एक ट्रैवर्स दी गई हो, उसके एंगल हमें पता हो और उसका डिस्टेंस पता हो कि कितने डिस्टेंस बन रहा है दो एंगल के दरमियान, तो हम उसकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग कैसे मालूम करेंगे, उस ट्रैवर्स की बेयरिंग कैसे फाइंड करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास एक ट्रैवर्स है जिसका जो एंगल है वो 120 है, सारे एंगल जो अंदरूनी एंगल है 120 हैं और डिस्टेंस 25 25 25 है सारा। तो हमारे पास ए से बी तक जो फोर बेरिंग है 0 0 है और बैक बेरिंग 180 डिग्री है, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। अभी हम ए से स्टार्ट होके बी सी डी ई और एफ तक जाएंगे, उसके बाद एफ से क्लोज करेंगे ए की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जब भी बेयरिंग मौजूद होगी, बैक बेयरिंग प्लस एंगल करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की फोर बेयरिंग आएगी, फिर हम उसको बैक बेयरिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्लस ये वाला एंगल करेंगे तो इस लाइन की हमारी फोर बेयरिंग आएगी, फिर हम इस लाइन की फोर बेयरिंग को बैक बेयरिंग में कन्वर्ट करेंगे, 180 प्लस करेंगे, फोर बेयरिंग प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास बैक बेयरिंग आ जाएगी। अभी बैक बेयरिंग 180 डिग्री में ये एंगल प्लस करेंगे तो हमारे पास बी से सी तक फोर बेयरिंग आएगी, 180 प्लस जो एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, तो हमारे पास जो फोर बेयरिंग आई है 300 डिग्री 0 मिनट और 0 0 सेकंड आ गई है, जो यहाँ पे इस तरफ जा रही है। उसके बाद हम बैक बेयरिंग फाइंड करेंगे इसकी, प्लस 180 कर देंगे तो हमारे पास बैक बेयरिंग आ जाएगी। अभी बैक बेयरिंग हमारे पास 480 हो गई है, तो जब भी 360 से ज़्यादा बेयरिंग होगी तो उसमें से 360 माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो बैक बेयरिंग आएगी वो आ जाएगी 120 डिग्री 0 मिनट और 0 0 सेकंड, हमारे पास बैक बेयरिंग आ गई है। अभी हम इस बैक बेयरिंग में प्लस 120 ये वाला एंगल करेंगे तो सी से डी तक जो हमारी बेयरिंग है वो आ जाएगी, फोर बेयरिंग आएगी, 120 प्लस 120, 120 हमारे पास बैक बेयरिंग है, 120 एंगल है तो हम प्लस करेंगे, हमारे पास जो बेयरिंग बनेगी वो 240 डिग्री 0 मिनट और 0 0 सेकंड आ जाएगी, ये हमारे पास फोर बेयरिंग आई। अभी हम इसकी बैक बेयरिंग बनाएंगे, प्लस 180 कर देंगे तो हमारे पास बैक बेयरिंग बनेगी 420, माइनस 360 कर देंगे तो हमारे पास 60 डिग्री 0 मिनट और 0 0 सेकंड, हमारे पास बैक बेयरिंग आ जाएगी। अभी हम इस बैक बेयरिंग में प्लस 120 ये वाला एंगल करेंगे तो हमारे पास डी से ई तक जो बेयरिंग है फोर बेयरिंग वो आ जाएगी, 180 0 मिनट और 0 0 सेकंड आ गया यहाँ पर फोर बेयरिंग, प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री 0 मिनट और 0 0 सेकंड आएगा, तो माइनस 360 करेंगे तो हमारे पास 0 0 हो जाएगी सारी बेयरिंग, ये हमारे पास बैक बेयरिंग आ गई है। हमेशा याद रखिएगा प्लस हमेशा एंगल उस टाइम होगा जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हों। अभी हम क्लॉकवाइज सारी बेयरिंग कर रहे हैं, तो अभी हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारे पास एंगल माइनस होना था, अगर हम इस साइड से शुरू होते तो हमारे पास एंगल माइनस होता, अगर हम अभी इस साइड से जा रहे हैं तो हमारे पास प्लस हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर
जीरो जीरो हो गया हमारे पास, जीरो प्लस 120 करेंगे तो हमारे पास जो ये वाली बेरिंग आएगी, ये इस साइड को जा रही जो फोर बेरिंग 120 डिग्री, 0 मिनट और 0 0 सेकंड हो गई। अभी हम इसमें प्लस 180 करेंगे तो 300 आ जाएगी बैक बेरिंग जो इधर को जा रही है, 300 डिग्री, 0 मिनट और 0 0 सेकंड। प्लस ये वाला एंगल कर देंगे 120, तो हमारे पास 420 आ गया। माइनस 360 करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री, ये वाली फोर बेरिंग आएगी 60 डिग्री, 0 मिनट। अभी हम इसमें प्लस 180 करेंगे, प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास 240 एंगल आ जाएगा इसकी बैक बेरिंग। टू फोर्टी डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड आ जाएगा इसकी बैक बेरिंग। बैक बेरिंग अभी हम प्लस 120 करेंगे तो ये वाली बेरिंग हमारे पास 0 0 आनी चाहिए। अगर हमारा पास 0 0 बेरिंग आ रही है तो हमारा बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगर कुछ भी फर्क आएगा तो हमारी ये ट्रैवर्स की जो कैलकुलेशन है ये गलत होगी। अब हम इसमें प्लस करेंगे 1240 प्लस 120 ये वाला एंगल, तो हमारे पास 360 आ गया। तो 360 माइनस 360 करेंगे क्योंकि 360 से जब भी बढ़ेगा या 360 होगा तो उसमें से माइनस हम 360 करेंगे तो हमारे पास अगली बेरंग एक्चुअल आ जाएगी। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं 0 0 हो गए, ये वाली बेरंग हमारे पास पहले से 0 है तो यहाँ पर भी 0 0 हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सारी कि सारी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम इसी ट्रैवर्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इस बेरिंग की मदद से। ये बेरिंग अभी हमारे पास बन चुकी हैं। अभी हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी के, सी के, डी के, ई के और एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।